हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं वटकेश्वर धाम यानी कि बड़खेरा आश्रम से व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ जौलपुर साइड। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, बड़खेरा तक काम पहुँच चुका है। एक साइड पूरी तरह से रोड को खुदाई कर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और हम जाएंगे थनगांव तक, बड़खेरा टू थनगांव तक जाएंगे। जो कि आप लोग ब्लॉग पे बने रहना, वीडियो अनकट रखेंगे। आप लोग देखते जाएं, रोड पूरी तरह से खुद चुकी है भाई यहाँ पे, और गिट्टी थोड़े से आगे में रखा है। हालांकि देखना, ये देखिए गाड़ी अभी खड़े हैं, क्योंकि अभी मैं जिस टाइम इस ब्लॉग को बना रहा हूँ, ये भाई जब हड़ताल लगा था उस टाइम का ही वीडियो। ये एक दो गाड़ी चल रहे थे, ऐसी बात नहीं है। और ये देख सकते हैं आप लोग, एक तरफ मिट्टी गिरा हुआ है, एक तरफ ऐसे ही खुदा हुआ है रोड। ये देखें, और आप लोग कमेंट करके बताना भाई कब तक रोड तैयार होगा। ये देखें दोस्तों, एक तरफ प्रॉपर गिट्टी डला हुआ है और एक तरफ खाली है भाई। तो हम नीचे तरफ से जा रहे हैं, खाली तरफ से। ये देखिए बहुत लंबा है भाई, यहाँ पर एक साथ बनेगा रोड। ये देखिए गिट्टी में बहुत दिक्कत होता है भाई टायर खिसलने का, फिर भी आराम आराम से चल रहे हैं हम लोग। ये और हमारे आगे आगे जा रहे हैं भाई भाई लोग, वो भी आराम आराम से चल रहे हैं स्कूटी वाले। ये देखिए बहुत रिस्क के साथ चलना पड़ता है भाई, क्योंकि नज़र हट्टी दुर्घटना घटी वाला सिस्टम रहता है यहाँ पर। ये देखिए, और गिट्टी के गिट्टी ऊपर बिछा हुआ है भाई, ऊपर साइड में। ये भी जल्दी बराबर होगा और इसके ऊपर से फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये देखिए हम लोग जब बड़खेरा से गुरैया की तरफ आते हैं तो एक गोगरा टाइप में पड़ता है, यहाँ पर पुल बन रहा है, उसका भी काम स्टार्ट हो गया है। हालांकि गोड़ा उड़ा बन चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग, नीचे तरफ बन गया है और ये रोड सीधा सीधा रहेगा। हालांकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा मोड़ पड़ता था पहले, और अभी इसी में चल रहे हैं हम लोग। जब नया रोड बनेगा तो ये मोड़ और सब निकाला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सीधा सीधा हो जाएगा ये रोड। ये देखिए और अरे भाई, जो वहाँ पे दिख रहा होगा देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा साइड में देखो, ये एक गोदाम है भाई। ये गोदाम में गाड़ी खड़े हैं, ये गोदाम था अभी यहाँ पे। और ये रोड भाई, वो देखो यहाँ मिट्टी से दिख रहा है कुछ, वो वहाँ से जा रहा है रोड भाई, यहाँ कहीं से इधर से निकलेगा रोड सीधा वही पुल के पास में। और ये देख सकते हैं यहाँ पे तो अभी सही है रोड, हालांकि यहाँ पे नहीं खुदा है अभी, और हम कुछ ही देर बाद गुरैया पहुँचने जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें दोस्त। और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लें यार अगर आप नए हों तो। ये देखो कितना प्यारा माहौल दिख रहा है ना, मज़ा आ गया भाई। ये देखिए एक तरफ के पेड़ पूरे काट दिए गए हैं यहाँ पे, और एक तरफ भाई ठीक है, नहीं कटा है अभी। ये देखो ये गुरैया है भाई, और आश्रम दिख रहा था यहाँ पे। ये देखिए जहाँ तक जाएंगे आप रोड के आइट साइड गाड़ी घोड़ा मतलब खड़े ही पाएंगे, क्योंकि रोड भी बन रहा है ना, इस वजह से जो ये गाड़ी घोड़ा घट घट में मिलेंगे आप सभी लोगों को। और ये देखिए गुरैया का नज़ारा यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त दोस्तों। ये देखिए गुरैया किस तरह से दिख रहा है भाई, आप लोग कमेंट करके बताना, बढ़िया लग रहा है वैसे तो। ये देख सकते हैं आप लोग क्या बात,
यहाँ पे पुलिस लगा रहता है भाई, और अभी भी बैठे हैं लोग, बाकी हमें पकड़े नहीं है। चलो ठीक है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है ना रोड। आप लोग कमेंट करके बता दोस्तों रोड कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को। देखिए पेड़ पौधा, मतलब ऐसा डिंडौरी ज़िला में ही है यार, अभी तक जबलपुर ज़िला में भी ऐसा नहीं है कि आज साइड में पेड़ पौधे लगे हों इस तरह से। और ये देखिए भाई हमारे मामा जी लगते हैं जो कि पीछे पीछे आ रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा कैचअप कर ले रहा हूँ। ये देखिए लगभग यही 30-40 किलो स्पीड में होगी गाड़ी। चलो भाई हम पहुंचने वाले हैं कॉलोनी, बिल्कुल 6 मिनट का हो गया वीडियो। और ये देखिए यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पे खुदाई हुआ था, बाकी अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी यहाँ पे काम मात्र सफाई हुआ है और रोड की थोड़ी थोड़ी खुदाई हो गई थी बस। और ये कॉलोनी है दोस्तों, और ये रहा भाई शक्ति भक्त के लिए रास्ता है ना। तो भाई यहाँ रोड मतलब इस तरफ से जाएगा, जहाँ खंबा दिख रहा है ना उस तरफ से रोड जाएगा। यहाँ भी मतलब सीधा हो जाएगा रोड पूरी तरह से, इतना गैप नहीं रहेगा फिर। और यहाँ पे क्रेशन पड़ता है भाई, धनगांव क्रेशन या कह लो, हाँ धनगांव में ही आता है शायद ये। ये टिकरा खमरी है हार, देखो क्या लग रहा है भाई रोड कसम से। अब बनने के बाद नया बनेगा जब तो पूरा मज़ा ही आएगा, नया बनेगा ना तो पूरा बनाऊंगा ब्लॉग, आप लोग बने रहना ब्लॉग में। और वो देखो कोई शहर सा दिख रहा है, वो कंपनी लगा है दोस्तों इधर साइड में, देखना आप लोग शहर नहीं देखा होगा लोगों को पास से कहा। तो चलिए इस साइड में देखिए दोस्तों पेड़ पौधों के नीचे तरफ में, ये देखिए शहर सा लग रहा है या कंपनी सा लग रहा है, तो कंपनी है भाई वो। और यहाँ पे भाई पुल का काम चल रहा था, पुल भी प्रॉपर तरीके से बन चुका है, अब रोड सीधे सीधे बनने जा रही है। देखिए ऊपर से बनेगा दोस्तों रोड, बहरहाल गिट्टी विट्टी डल गया उधर पे। ये देखिए ये भाई पूरा का पूरा कंपनी, यहाँ से माल जाती है बनके, हर चीज़ यहीं पे बनता है। एस्कॉन कंपनी है ये, रोड बनाने का काम करता है। ये देखिए बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पर, और जो कोई काम आम के लिए रोजगार तलाश रहे होंगे तो यहाँ पर आके अपना पूछ सकते हैं भाई, जिसको काम चाहिए तो। ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है भाई धनगांव में, हम लोग धनगांव पहुंच चुके हैं। अब मैं वीडियो यहां पे एंड करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, हालांकि मैं वीडियो इसलिए एंड कर बना था क्योंकि रोड सभी लोग देखना चाहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि रोड को देखने जाते हैं ज़्यादातर हमारे जो बाहर काम करने गए हैं लड़के, उनका डिमांड रहता है रोड के ऊपर। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मैं